हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, दिवाली का फेस्टिवल काफ़ी नज़दीक है और मैं दिवाली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं आज। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में ज़रूर देखा होगा और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट कुछ दिनों तक दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ ही लेकर आऊँगी, तो आज मैं ये दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ। इसे बनाना वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़े थोड़े बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपके लड्डू बहुत अच्छे बने, दानेदार लड्डू बने और बहुत ही बढ़िया और बहुत परफेक्शन के साथ बने। तो चलिए इस लड्डू को बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें लड्डू बेसन चाहिए होता है, बट मेरे पास वो बेसन है नहीं, तो मैं जो नॉर्मल हम कढ़ी बनाने के लिए बेसन यूज़ करते हैं वही बेसन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ वाला बेसन मैंने यूज़ किया है। अब इसमें दानेदार टेक्स्चर लाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप चने की दाल। तो चने की दाल से ही हम मोटा बेसन बनाएंगे और रेगुलर बेसन मैंने लिया है 1 कप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 1/4 कप चने की दाल को ले लेंगे एक पैन में और इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तो लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करके एक मोटा बेसन बनाना है। तो आप 1/4 कप से लेकर 1/2 कप तक चने की दाल ऐड कर सकते हैं, मतलब आधा आधा रेशियो भी कर सकते हैं या फिर 1 कप और 1:4 भी कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। तो लगभग मैंने इसे 10 मिनट भुना, इसका कलर भी चेंज हुआ है, स्मेल अच्छा आ रहा है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों, हमारे चने की दाल ठंडी हो चुकी है, मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। ध्यान रहे आपको इसे दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी स्मूथ ना करे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको मोटा पीसा, आप देख सकते हैं इसमें अभी भी दाने बरकरार हैं। तो इस तरह का हमें इसे पीसना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस बेसन को भूनूंगी। जो हमने स्मूथ बेसन लिया था, रेगुलर वाला वो बेसन है, तो उसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे। अभी आपको घी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बेसन को भुनेंगे और लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए भुने, नहीं तो इसका रंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल लाइट येलो कलर का इसका कलर चाहिए, जैसा कि बेसन के लड्डू हमें मार्केट में मिलते हैं। तो इसे भूनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ करें। 10 से 15 मिनट में आपको जब खुशबू आने लगे तभी ये रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, इसे लगभग मैंने 7 से 8 मिनट भुना है और आप देख सकते हैं इसमें कलर थोड़ा सा बदला है। तो इसी वक्त हमारा वो मोटा वाला बेसन जो हमने पीस कर रखा था, हम उसे भी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम और इसे रोस्ट करेंगे। तो इस वक्त भी मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, सारी कुकिंग हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम स्मूथ बेसन भी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा घी में आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपको घी कम या ज़्यादा लग सकता है। घी डालने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, उसके बाद मैंने अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला सा एक पेस्ट जैसा रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑन करके इसे लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। लो फ्लेम पे इसे आपको अब ज़्यादा नहीं भुनना है, 5 मिनट के लिए ही भुनना है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे मैं भून रही थोड़ी गाढ़ी हो रही है। तो इस वक्त आप चाहे तो और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका काम जो है जनरली 1/4 कप से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा लगेगा और हो जाता है उतने में। मोटा बेसन रहे तो ज़्यादा घी आपको लग सकता है। तो ये मैंने इसे भून लिया है, 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे भून चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कलर भी अच्छा है, गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ता। आप चाहे तो इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और नहीं पसंद है तो आप कम्प्लीटली इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसे जस्ट 1 मिनट के लिए भूनूंगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हमारे थोड़े से रोस्ट होने चाहिए, तभी फ्लेवर अच्छा आएगा। तो बेसन हमारा भुन चुका है, ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, मैं इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं और बेसन भी है तो सोक कर ले रहा है सारे घी को। तो लगभग यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी, यानी कि 1 टेबलस्पून। तो अभी मैंने 1/2 टेबलस्पून ही डाला है और मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, फिर मैं थोड़ा सा और घी इसमें ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पास से कि ये जो हमारा
पेस्ट रेडी हुआ है, ये कितना दानेदार है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें स्मूदनेस नहीं है, जो कि हमारे रेगुलर वाले बेसन के कारण होता है और वो कभी कभी आपके ना मुंह में चिपकने लगता है। ये लड्डू के साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने बाकी बचा हुआ 1/2 टेबल स्पून घी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी इसमें डाल दिया है और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ध्यान रहे, इलायची पाउडर आप फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही डालें। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए देंगे। थोड़ा ठंडा हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें चीनी अभी मिलानी है इसमें। तो चीनी हम तभी मिलाएंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी कि 2-3 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे 1 कप बूरा लिया है, जितना मैंने बेसन लिया था उतना ही मैंने बूरा शुगर लिया है। अगर आपके पास बूरा शुगर नहीं है तो आप पीसी हुई चीनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर बताशे होते हैं उसको भी आप पीस लें। लेकिन बूरा शुगर जो है वो मोटा होता है, वो आप गरम गरम बेसन में भी डाल दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन पिसी हुई चीनी अगर आप यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि वो बहुत हद तक ठंडा हो जाए तभी ऐड करें, नहीं तो आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ही गीला हो जाएगा। तो अब मैंने बूरा शुगर को इसमें मिलाया तो आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई हो गया है मिक्सचर। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी और घी ऐड करेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो लड्डू का मिक्सचर है अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए, बंद नहीं रहा है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा घी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भून के डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा बूरा या फिर चीनी की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाला है, फिर मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी। एक बार में ढेर सारा घी ना डाले, नहीं तो ये बैटर जो है या पेस्ट जो लड्डू का मिक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि ये कितने अच्छे से हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है, कि होल्ड कर पा रहा है या नहीं, कि शेप ये आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच ही घी डाला है और ये अभी बहुत अच्छे से बनने वाली कंसिस्टेंसी में है, बट ये अभी बहुत गर्म है तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से आपको इसे ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म हो तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो लड्डू बंधेंगे नहीं और प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ये हल्का सा गर्म है और बिल्कुल हाथ में सहने लायक है, तो मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है और मैं जिस प्लेट में लड्डू रखूँगी उसे भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और उसको मैं अच्छे से इस तरह से हाथों से बांध लूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रेस करते हुए, थोड़ा सा हाथ हथेलियों में घुमाकर इस तरह से मैं इसे एक लड्डू का शेप दे दूँगी और ये हमारा एक लड्डू बनकर रेडी है। इसी तरह से मैं अपने दूसरे लड्डू को भी रेडी कर लूँगी, बेसन का जो हमारा लड्डू है, तो उसे हम आराम से इसी तरह से थोड़ा सा दबाते हुए बांध लेंगे और फिर हाथों से अच्छे से इसको एक शेप दे देंगे। तो ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बने। तो इसी तरह से मैंने सारे लड्डू को बना लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसन के लड्डू बनकर रेडी है, आप भी इसे बनाएं। अगर आप मेरी ये रेसिपी देखकर बनाते तो आप अपने फ़ोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।